तो लोगों के बीच जैसे कि उमेश कुमार जी मुखिया जी यहाँ घूम रहे हैं, अभी नव निर्वाचित मुखिया है और इनके साथ सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे बीच हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पत्नी सरपंच बन गई। जी मैडम, जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय हम आपको पूरे पंचायत के लोगों को देंगे। इसकी पिछली बार भी हमें भारी बहुमत से चुनाव ये जनता ने जिताई थी, अब की बार हमें काम के आधार पर फिर जनता ने फिर हमें पुनः दोबारा हम भारी मतदान से हमको फिर विजयी बनाई है। तो क्या नाम है पत्नी का? पत्नी बिंदु कुमारी। बिंदु कुमारी सरपंच जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि सरपंच बनने के बाद बहुत तरह की जिम्मेवारियां तो और आपकी बढ़ गई होगी? हाँ, तो जिम्मेवारियां पहले तो इतनी थी कि लोग समझते नहीं थे कि सरपंच पद क्या होता है। तो मैं जब से चुनाव जीतने के बाद मैंने अपने पूरे 5 साल कार्यकाल में इतनी बेहतरीन ढंग से मैंने जनता को समझाया कि सरपंच का अधिकार क्षेत्र क्या है, सरपंच का कर्तव्य क्या है। पहले तो इसका बोध किसी को था नहीं, बस इतना ही जानते थे कि सरपंच का कुर्सी है, सरपंच को वोट दिया जाता है, ऑल इन ऑल मुखिया के अलावा और बाकी सीट को कोई जानता ही नहीं था। लेकिन हमने और पूरे पंचायत को जना दिया कि सरपंच भी एक सीट है जिसे आपका पूरा लाभ होने जा रहा है और आप इस लाभ से वंचित थे। जो हम मैनिफेस्टो आपने चुनाव के दौरान मैंने बनाया है वो मैनिफेस्टो पूरे जनता को दिया, यानी कि अब निश्चित तौर से उचित न्याय मिलेगा लोगों को। उचित न्याय मिला है और मिलेगा। मैंने अगली बार आपको 437 केस अपडेट किए हैं जिसमें से आपको 413 निष्पादित हुए हैं, उसमें से कुछ लंबित है बाकी लंबित है। तो सरकार की रेवेन्यू इसमें आती है, 100 रुपया सरकार की एक वो केस पर फीस है, मैंने 42,000 प्रतिवेदन फीस लिया और 11,000 कुछ आपको 53,941 रुपया मैंने पूरे बिहार सरकार का राजस्व दिया इस ग्राम कचहरी से वसूली करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर से ऐसे लोग जनप्रतिनिधि होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पंचायत का विकास करते हैं और जब पंचायत का विकास होगा तो निश्चित तौर से वो पंचायत आदर्श पंचायत बनेगा ही। तो आपने देखा दूसरी बार सरपंच पद इनको मिला है, इनकी पत्नी को मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास है लोगों के साथ और विश्वास जब रहता है तो विश्वास लोगों के दिलों में रहता है तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि होते हैं या जो भी मुखिया बनते हैं उनको भी लगता है कि लोगों ने विश्वास किया है तो मुझे अच्छा काम करके दिखाना है, विकास करके दिखाना है, नहीं तो फिर जनता का तो पावर है ये है, जनता क्या कर सकती है ये सबको पता है। तो पहले वाली बात नहीं रह गई, पहले भोली भाली जनता हुआ करती थी लेकिन अब लोग मैच्योर्ड हैं और तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, तमाम लोग शिक्षित हैं। ऐसा नहीं कि लगातार आप 5 साल 10 साल 20 साल वाला प्रथा अब नहीं रह गया, अब लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, सबको पता है कि अच्छा काम नहीं करिएगा तो तुरंत सीट से आपको आउट कर दिया जाएगा। तो ये समझना होगा कि हमें पंचायत का यदि पद मिला है, मुझे मुखिया का पद मिला है, सरपंच का पद मिला है या किसी भी पद का यदि मुझे यहाँ पे बनाया गया है देखरेख करने के लिए, तो आप मालिक नहीं हैं बल्कि आप सेवक हैं, आपको नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया है, ये जनता मालिक होती है तो जनता के हर समस्याओं का समाधान करना आपका फर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल सशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अमित के साथ, थैंक यू।